स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत बलदेव बाग के समीप स्टेट बैंक कॉलोनी के पास में खुद को पुलिस वाला बताकर एक व्यक्ति से ठगी का मामला सामने आया। ठगी मामले में दो अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति से सोने की चैन और अंगूठी ले गए। घटना के संबंध में थाना प्रभारी राजेश बंजारा ने बताया कि अनिल नामक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पास दो व्यक्ति आए। दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित से ये कहा कि तुम्हारे पास सोने चैन और अंगूठी है, उसे हमें दे, वो सुरक्षित रहेंगे। सोने की अंगूठी और चैन लेने के बाद दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित को एक पुड़िया पकड़ाकर चले गए। पुड़िया खोलने पर पीड़ित ने देखा कि उसके अंदर कंकर भरे हुए हैं। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दोनों अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल तो उसमें दो व्यक्ति नजर आए। पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या घटना घटी है? 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में मैं दमोह नाका से बलदेव बाग तरफ जा रहा था, तो स्टेट बैंक की तरफ जो मोड़ आता है उसके मोड़ के थोड़ा सा आगे में बड़ा मेन रोड पे, तो साइड से डिवाइडर है, वहाँ से डिवाइडर में पीछे से गाड़ी लेके आया, हेलमेट लगाया हुआ था, और मेरे को रोको। तो मैंने बोला क्या बात है, वो तो मैं पुलिस विभाग में हूँ। और उसने मुझसे वो बोला कि देखिए अभी दमोह नाका पर लूट हुई है, और लूट होने के बाद ये आप जो चैन अंगूठी पहने हो, तो मेरे को, मैंने मैं अंगूठी पहना हूँ तो क्या हुआ, मैं अंगूठी पहना हूँ। उतने में एक और साथ वाला आया, तो उसने उसको भी बुलाया और उससे भी बोला कि तुम भी चैन उतार, अपनी चैन उतारो। तो उसने चैन उतारी और अपने हाथ में रखने लगा, तो मेरे से भी बोले तुम भी अपनी अंगूठी उतारो और चैन उतारो। और चैन उतारने के बाद वो क्या करने लगा, मेरे हाथ से लेने लगा। मेरे हाथ से जैसे ही लेने लगा तो मैंने क्यों ले रहे, बोलता नहीं आप अपनी जेब में रखो। तो मैंने हाँ रखो रहा हूँ, तब तक उसने हाथ से मेरे से ले लिया, और हाथ से लिए तो जो साथ वाला था उसने तुरंत वो चैन अपने वापस ली और तुरंत हमको धक्का दिया गाड़ी की तरफ, और एकदम से गाड़ी लेके दमोह नाका की तरफ पलटे वो दोनों। मैंने रिपोर्ट लिखाई है थाने में, तो रिपोर्ट में ये बोलने लगे थे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने फ्रॉड क्या हुआ, वो बताने लगे भाई लूट हुई है यहाँ पे, और इसलिए आप अपनी अंगूठी चैन उतार के रखो। उसने कहा हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि कम से कम हमको तुरंत और सामान हमको वापस मिले हमारा। मैं वैसे ही प्राइवेट नौकरी जॉब वाला हूँ आदमी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल मराठा, बंदिया मोहल्ला में रहता हूँ। क्या मामला है और क्या जांच चल रही है? अनिल मराठा फरियादी हैं, ये थाने आए, उन्होंने बताया कि दो व्यक्ति इनको वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा कि हमें चैन और अंगूठी दे दो, हम पुड़िया बना के तुम्हें दे देंगे तो सुरक्षित रहेगा। और इन्होंने चैन और अंगूठी दे दी उन्हें, उन्होंने कागज़ की पुड़िया बना के उनको दे दी। उन्होंने बाद में देखा तो उसमें कंकर भरे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और पुलिस पार्टी लगी हुई है, कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जल्दी हम उस तक पहुँच जाएंगे। और प्रेस फरियादी का ये कहना है कि उसके साथ रूटिंग उसको कह के और उससे गुमराह किए गए और अचानक एकदम जीने चट्टी को उसको धक्का दे के चला। नहीं, ये लूट तो नहीं है, लेकिन उसको ठगी कह सकते हैं। हाँ, जांच का विषय है, ठगी का मामला लगता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज़ स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।